फोन जो लड्डन खां जो थाना प्रभारी को जो बता रहे हैं कि सर यहाँ पास जनवरवा नहीं है, हटेगा सर। आप गौर करें, जो मैडम क्लीन चीट दे रही हैं उसको गौर करें। लड्डन खां ने क्या बोला कि सर ना हटेगा तो फिर तो हमरे बदनामी होगा सर। ये बात आप कैसे बोल रहे हैं मेरे बदनामी होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इसमें इन्वॉल्व हैं। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। बीते दिनों हमजापुर में पशु तस्करी के मामले को लेकर जो पुलिस ने छापेमारी की और कुछ मवेशी को जब्त किया है, इसको लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उसमें शेरघाटी विधायक के प्रतिनिधि लड्डन खान का नाम आने के बाद विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसमें सफाई दी और वो सारी बातों को निराधार बताया और उन्होंने बताया कि ये इल्ज़ाम उन पर बिला वजह लगाया जा रहा है। चिंटू सिंह जी, आपने इसको लेकर बयान दिया था और उस पर विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चूँकि वो महिला हैं और कमज़ोर हैं, इसलिए उनको जो हमारी उनकी जीत के बाद लोग इस जीत को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो उनके प्रतिद्वंद्वी हैं वो उनकी उनको उनको धो उनके जो छवि है उसको धूमिल करना चाहते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं। इसको लेकर एक साजिश रची जा रही है, सोची समझी साजिश है इस पूरे मामले में। तो आपके बयान को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि ये सब भाजपा के लोगों का या कुछ लोगों का षड्यंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी, आपने जैसा बताया कि माननीय शेरघाटी विधायिका अपने आप को महिला कहती हैं और अपने आप को कमज़ोर कहती हैं और इसी को लेकर उनको लोग तंग कर रहा है या टारगेट कर रहा है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको कि अगर वो कमज़ोर होती तो जिस तरह से वो आप लोगों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मेन एक्यूज के साथ, तो वो नहीं करती। अगर वो कमज़ोर होती तो वो तो यहाँ पे खुद को कानून से ऊपर मानकर वैसे व्यक्ति को अपने बगल में बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसको गया जिला की पुलिस तलाश रही है, तो कैसे मैं मानूँ कि वो कमज़ोर हैं। और रही बात आरोप प्रत्यारोप का, तो हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाना हम लोगों की आदत नहीं है। हम साक्ष्य के साथ हैं और साक्ष्य है मेरे पास, तभी हम लड्डन खां जी को कह रहा हूँ कि वो पशु तस्कर में संलिप्त हैं। जैसा कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही माननीय विधायिका ने बोले हैं कि वो कोई प्रूफ दे दे, कोई भी पशु तस्कर के एक भी केस में अगर लड्डन खां इन्वॉल्व हैं तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। तो मैं आज साबूत लेकर आया हूँ, 26/6/2017 को आमस थाने में गम्हरिया में 150 गायें पकड़ी गई और ये शेरघाटी या आमस के या गम्हरिया के लोग नहीं, एक दिल्ली की जो संस्था है गौ रक्षक संस्था है, तो वो लोग जीटी रोड पे देखते हैं और गाय या कोई भी जानवर गाड़ी को वो लोग रोकते हैं और उसी क्रम में गम्हरिया गांव में 26/27/6/2017 को आमस थाना को उन्होंने सूचित किया और उनके सूचित पे उनके इन्फॉर्मेशन पे वहां पे जब रेड पड़ी तो 150 गायें पकड़ी गई और FIR हुआ जिसमें लड्डन खां का इसमें बजाबता नाम है। ये देखिए FIR का कॉपी, मैं सच के साथ आ जाया हूँ और हम लोग किसी को ऐसे ही बेबुनियाद, काफ़ी लोग मैडम के साथ हैं, विधायिका के साथ काफ़ी लोग हैं, हम लोग उनके पर क्यों नहीं आरोप लगा रहे हैं। लेकिन चिंटू सिंह जी, ये राजद के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इनके प्रतिनिधि हैं या राजद के नेता हैं, उनका आरोप ये था कि जो बालू माफिया हैं, बालू माफिया पे इनका ध्यान भटकाने के लिए, तो भावना भड़काने के लिए इस मुद्दा को ये उठाते रहते हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए। इमरान जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय विधायिका को किसी ने नहीं रोका है कि आप बालू माफियाओं पर कार्रवाई ना करवाएं। और रही बात भटकाने की, तो हम लोग भटकाने में विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग सच के साथ हैं। ये है केस संख्या। उस मुद्दे में हमजापुर में जहां पर छापेमारी हुई, वो जसीमुद्दीन साहब जो कि
जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, बताया जाता है कि वो उनके कैंपस में ये सब कुछ था। मैंने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये किसानी का माल था, कोई शंभुनाथ यादव करके या कोई गोह के लोग यादव हैं, उनका वो किसानी का माल था और वो खरीद बिक्री करते हैं। तो आप अगर ये वो उनका सवाल था कि वो बताएं, जो लोग बयान दे रहे हैं वो बताएं कि तस्करी कौन है और व्यवसायी कौन है, क्या जानवर का या पशु का या गाय का व्यवसाय करना और तस्करी करना दोनों एक ही चीज़ है, या ये व्यवसाय करने वाले सारे लोग तस्कर हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं इमरान जी कि देखिए, मैं आज भी बोल रहा हूं, कल भी बोला था कि पाप का घड़ा होता है, वो फूट जाता है। ये हमें नहीं पता कि वो जो गायें पकड़ाई हैं हमजापुर में वो किनकी हैं, लेकिन जिस तरह से पाप का घड़ा फूटता है तो वो घड़ा फूटा। तो लड्डन खां और ये जसीमुद्दीन साहब के साथ जो विवाद हुआ, एक फ़ोन जो लड्डन खां जो थाना प्रभारी को जो बता रहे हैं कि सर यहाँ पास जनवरवाह नहीं है, हटेगा सर, आप गौर करें, जो मैडम क्लीन चीट दे रही हैं उसको गौर करें। लड्डन खां ने क्या बोला कि सर ना हटेगा तो फिर तो हमरे बदनामी होगा सर। ये बात आप कैसे बोल रहे हैं मेरे बदनामी होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इसमें इन्वॉल्व हैं। आपको लग रहा है कि मेरा कारोबार बंद हो रहा है, ये बात भी सही है कि पहले एक गुट था हमजापुर में, वो था लड्डन गुट, लेकिन वहाँ पे अभी कुछ और छोड़ भैये, पैसा तो सबको ज़रूरत है ना सर, पैसे के आगे तो एक दूसरे को परिवार को नहीं समझते हैं। तो वहाँ पर एक नया जो गुट तैयार हुआ, उस नया गुट में सुने होंगे कि गोली भी, फायरिंग भी हुई है, तो ये फायरिंग किस में हुई? लड्डन खां और ये जो नया जो गिरोह हुआ उसमें हुई। तब जाकर लड्डन खां ने थाना प्रभारी को जो रिकॉर्ड किए हैं, और तब जाकर लड्डन खां ने थाना प्रभारी को बोला कि ये गाय क्यों नहीं हट रहा है। इसका मतलब कि मेरे पर खाली आप प्रेशर देते हैं सर, मेरे पर प्रेशर देते हैं और बदनामी मेरी हो रही है, उसको क्यों नहीं हटा रहे हैं? आप गौर करें, एकदम मैं मैडम को भी बोलूँगा कि उनके लैंग्वेज को पढ़ें और गौर से सुने, तब पता चल जाएगा। वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सर पहले हम कर रहे थे, तो हमको बड़ी तंग करते थे कि तुम गाय का कारोबार कर रहा है, तस्करी कर रहा है, तो आज जो नया जो उपजा है उसको क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं? लड्डन खां का जो रिकॉर्डिंग है ये इसका मकसद यही है, और ये बहुत पहले से कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को विवाद में नहीं जाना है। हम लोग न्याय में विश्वास रखते हैं, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें कुछ लोग जो लड्डन खां के जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके मोबाइल का CDR निकाला जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, और हम किसी को क्यों फंसाएंगे? हमें कभी लड्डन खां से ना भेंट है ना मुलाकात है, लेकिन हाँ जिस तरह से क्लीन चीट दी हैं वो बहुत ही सिरघाटी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देखिए लड्डन खां को इस केस में मुदाले हैं कि नहीं हैं, मैं सच के साथ कह रहा हूँ, 10वां नंबर पे लड्डन खां हमजापुर का नाम है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये वही हैं, और उन पर FIR हुआ है अमस थाने में। अब मैडम इस्तीफा दें, चाहे उनसे इस्तीफा दिलवाएं, या सिरघाटी के 3 लाख जनता से माफ़ी मांगे कि हाँ मैंने गलत किया हूँ, जो एक अब्बल मुदाले को बगल में बैठा कर गंगा के तरह पवित्र घोषित कर दिया हूँ, ये नहीं चलेगा। चलिए सर, धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ चिंटू सिंह जी से बात करने के बाद कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल ने और उनके विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि इसकी पुलिस जांच करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ठीक वही बात चिंटू सिंह जी कह रहे हैं कि इसकी जांच हो और ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब देखना ये होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी कब होता है।